फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन। हब मैं हूं रितेश और आज हम लोग 31 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और 31 दिसंबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लें क्योंकि झारखंड के क्लासों के पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ झारखंड के वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में राशन कार्डधारियों के लिए पेट्रोल पर कितने रुपये प्रति लीटर की छूट दी गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25 रुपया। राज्य में जो भी राशन कार्डधारी है उनके लिए पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की छूट दी गई है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो राज्य के राशन कार्डधारियों को दोपहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने पर 25 रुपये प्रति लीटर की छूट दी गई है। ये योजना राज्य में 26 जनवरी से शुरू किया जाएगा। तो ये योजना जो है राज्य में 26 जनवरी से शुरू किया जाएगा। तो इसके डेट को आप लोग याद रखिए, 26 जनवरी। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 59 लाख राशन कार्डधारियों को अब हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर लाभ मिलेगा। यानी 25 रुपये जो है, 25 रुपये का लाभ आपको 10 लीटर पर ही मिलेगा। यानी मैक्सिमम की बात करें तो एक महीने में 10 लीटर पर आप लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के कार्डधारियों को 25 रुपये प्रति लीटर के लिए 10 लीटर पर लाभ मिलेगा। ये राशि सब्सिडी के रूप में उनके खाते में जमा किए जाएंगे। एक गरीब परिवार प्रतिमा 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी पा सकेगा। यानी अर्थ क्या होगा, आपको पहले जो भी पेट्रोल का रेट है 98 रुपीज, उसको आपको पे करना पड़ेगा और पेट्रोल के जो भी छूट है वो आपको सब्सिडी के रूप में आपके खाते में जमा कर दिए जाएंगे। यानी अगर आप एक महीने में 10 लीटर जमा करते हैं, यानी 10 लीटर पेट्रोल यूज करते हैं, तो आपको 250 रुपये आपके खाते में सब्सिडी के रूप में जमा की जाएगी। इसका अर्थ ये होता है कि आप पहले पेट्रोल के पूरे पैसे पैसे देंगे और बाद में आपके खाते में वो जो अमाउंट है सब्सिडी का वो आपको जमा किया जाएगा। तो 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आप 10 लीटर तक का ही फायदा उठा सकते हैं। यानी गरीब परिवार 10 लीटर तक का ही फायदा उठा सकता है। राशन कार्ड क्या होता है? तो ऐसी होती है राशन कार्ड, राशन कार्ड में राशन वितरण किया जाता है। इसमें चावल वितरण किया जाता है, गेहूं वितरण किया जाता है, तब इसमें पेट्रोल की सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, चलिए। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। कहां से की है? राज्य के रांची के मोरहाबादी स्टेडियम से की है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपना कितनवा सैफ खिताब को जीत लिया है? तो सैफ खिताब को कितनवा सैफ खिताब है भारत ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वां। भारत ने अपना 8वां सैफ खिताब को जीत लिया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम ने अपना 8वां सैफ खिताब जीत लिया है। तो भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार सैफ चैंपियन में अपना नाम हासिल कर लिया है, यानी अपना नाम को दर्ज किया है। भारतीय फुटबॉलर टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने गोलों के मामले में फुटबॉल के जादूगर पोलो को पीछे छोड़ दिया है। अब सुनील मेसी के बराबर पहुंच चुका है, यानी सुनील छेत्री जो है फुटबॉल के जादूगर पोलो को भी गोलों के मामले में पीछे छोड़ दिया है और अब मेसी के बराबर हो गई है। ठीक है, अब देखिए यही है 8वां सैफ खिताब। यानी ये खिताब भारत ने इसके पहले 7 बार जीत चुकी थी, 7 बार भारत अपने नाम कर चुकी थी। भारतीय फुटबॉल टीम इसे 8वीं बार हासिल कर ली है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? तो ये है सुनील छेत्री और ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है। अभी गोलों के मामले में इन्होंने पोलो को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस खाद्यान्न का निर्यात विदेशों में किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से खाद्यान्न का निर्यात अभी विदेशों में किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चावल। झारखंड के चावल का अभी निर्यात जो है वो विदेशों में किया जाएगा। विदेशों में दुबई में और साउथ अफ्रीकन देशों में इसका निर्यात किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अब झारखंड की IR64 चावल का निर्यात विदेशों में किया जाएगा। तो देखिए कौन से चावल का निर्यात किया जाएगा? तो IR64, इस चावल का आप लोग याद रखें। एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि झारखंड के कौन से चावल को विदेशों में निर्यात किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा IR64। इस चावल की मांग विदेशों में बढ़ रही है। राज्य की इस चावल को अब दुबई में और अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा। करीब 2200 टन चावल को अन्य देशों में भेजा जाएगा। राज्य को IR64 चावल का ऑर्डर मिला है। हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम के जल मार्ग से ये भेजा जाएगा। तो कौन सा चावल? ये IR64 चावल है और ये अभी दुबई में और अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यही है IR64 चावल और इसी का अभी निर्यात करेगी झारखंड सरकार।
अब देखिए ये कहाँ पे, तो दुबई में, तो यहाँ पे है दुबई। और अफ्रीकी देशों की बात करें तो ये जो पूरा आपको देश दिख रहा है ये है अफ्रीका देश। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये कौन सा है, ये एशिया है, ये यूरोप है, और ये कौन सा है, ये ऑस्ट्रेलिया है। साथ साथ ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीके कॉन्टिनेंट के अफ्रीके देशों को अभी निर्यात किया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे है दुबई, दुबई को भी ये निर्यात किया जाएगा। ठीक है, कौन सा चावल, तो झारखंड का IR64 चावल। ठीक है, तो दुबई यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दुबई है, यहाँ पे दुबई आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा झारखंड, और झारखंड से दुबई और झारखंड से इन देशों में भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रीति कुमारी का चयन खेलो इंडिया में हो गया है, वो किस खेल से संबंधित है। तो झारखंड की प्रीति कुमारी का चयन अभी खेलो इंडिया में हुआ है, तो वो कौन से खेल से संबंधित है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबड्डी। प्रीति कुमारी का चयन खेलो इंडिया में हो गया है और वो कबड्डी खेल से संबंधित है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में रांची के रहने वाली प्रीति कुमारी का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हो गया है, और वो एक कबड्डी खिलाड़ी है। तो प्रीति कुमारी, इनको आप याद रखें, तो झारखंड की प्रीति कुमारी रांची की रहने वाली है और इनका अभी चयन हो गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है, कबड्डी तो इस तरीके की होती है, कबड्डी की मैच, कबड्डी के खेल में दो टीमें होती है आमने सामने, यानी पक्ष और विपक्ष, और इनमें मैच होता है। ठीक है, चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो भी इसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ पे, तो हरियाणा में ही इसका आयोजन किया जाएगा, और इसके लिए झारखंड की प्रीति कुमारी का चयन हो गया है। अब देखिए ये प्रीति कुमारी रांची की रहने वाली है, आइए जानते हैं रांची के बारे में। रांची का निर्माण 1899 में हुआ था, यानी रांची का फॉर्मेशन 1899 में किया गया था। रांची में टोटल ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, यानी एक राज्य के साथ शेयर करता है, और झारखंड के 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री शेयर करता है। 9 जिलों में रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, शिमले सॉरी गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। रांची इन्हीं 9 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची को क्या कहते हैं, तो रांची को झारखंड की शिमला कहा जाता है। साथ साथ रांची को झरनों का शहर कहा जाता है, झरनों का शहर रांची में कई झरने होने के कारण कहा जाता है। रांची में दशम, हुंडरू और जोना फॉल है। साथ साथ रांची झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड की उपराजधानी कई बार पूछी जाती है, झारखंड की उपराजधानी है दुमका, और ये है मैप में दुमका। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस इंस्टीट्यूट को एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया। तो झारखंड के कौन से इंस्टीट्यूट को एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT आईएसएम। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो अभी IIT आईएसएम को एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया, और BIT सिंधरी को बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया। 29 दिसंबर को जारी हुए अटल रैंकिंग ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में राज्य के चार इंजीनियरिंग संस्थान कौन कौन से हैं, आप इन्हें याद रखें, NIT जमशेदपुर, BIT सिंदरी, BIT मेथरा, IIT आईएसएम। ठीक है, तो यही राज्य के चार इंजीनियरिंग संस्थान है, चार इंजीनियरिंग संस्थान को शामिल किया गया। इसमें NIT जमशेदपुर और BIT सिंदरी को बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट में रखा गया है। IIT आईएसएम की बात करें तो एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट में रखा गया है, BIT मेसरा की बात करें तो प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट में रखा गया है। तो आप इन सभी को याद रखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या होगा, NIT जमशेदपुर को कौन से कैटेगरी में रखा गया है, NIT जमशेदपुर और BIT सिंधरी को बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट में रखा गया है। IIT आईएसएम की बात करें तो एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट में रखा गया है, और BIT मेसरा की बात करें तो BIT मेसरा प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट में रखा गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से कहाँ पे है। NIT जमशेदपुर की बात करें तो ये राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में है। BIT सिंधे की बात करें तो ये राज्य के धनबाद जिले में है। IIT आईएसएम की बात करें तो ये राज्य का एकमात्र IIT कॉलेज है जो धनबाद जिले में है। BIT मेसरा की बात करें तो ये राज्य की राजधानी रांची में है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये है IIT आईएसएम, और ये राज्य के धनबाद जिले में है, और ये राज्य का एकमात्र IIT कॉलेज है जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 में की गई थी, और 2016 में इसे IIT का दर्जा दिया गया था। यानी जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय ये IIT नहीं था, बल्कि 2016 में इसे IIT का दर्जा दिया गया है, और ये राज्य का एकमात्र IIT कॉलेज है। IIT जमशेदपुर ये राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में है, जो जमशेदपुर शहर में स्थित है। NIT की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर। IIT आईएसएम उसका भी फुल फॉर्म जान लेते हैं, तो IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईएसएम का फुल फॉर्म है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, NIT का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जमशेदपुर में स्थित है। ये है BIT मेसरा। BIT की फुल फॉर्म क्या है, तो BIT का फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो राज्य के रांची जिले में स्थित है। ठीक है,
ये है BIT सिंधरी, और BIT का फुल फॉर्म है यहाँ पे बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है? तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे BIT मेसरा का फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, धनबाद के चश्माला में हुई कोल दुर्घटना को कितने साल पूरे हो गए? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 46 साल। धनबाद के चश्माला में एक बहुत बड़ी कोल दुर्घटना हुई थी जो एशिया का सबसे बड़ा कोल दुर्घटना था, और इसको अभी 46 साल पूरे हो गए थे। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, रांची रेलवे स्टेशन में कब से प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे, और आप इसके बारे में डिटेल में लिखिए। ठीक है, चलिए। प्रीवियस डे के कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं रिविजन के पर्पज से। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के कितने शहरों में साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो राज्य के 2 शहरों में साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अब 2 शहर कौन कौन से है? तो जमशेदपुर और धनबाद 2 शहर है जहां पे साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बात करें यानी आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, ये कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को हर साल आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने विद्युत संचालन और उद्योग से संबंधित के लिए किसके साथ MOU किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मैसर्स सीमेंट। अभी सेल ने विद्युत संचालन और उद्योग से संबंधित समस्याओं के लिए किसके साथ? तो इसके लिए मैसर्स सीमेंट के साथ MOU किया है। MOU का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या है? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य से किसने अंडर 5 में 10 किलोमीटर की दौड़ सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 10 किलोमीटर की दौड़ अंडर 5 के एज में सबसे तेज किन्होंने दौड़ा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अवनी कुमारी। अवनी कुमारी ने अंडर 5 में यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 10 किलोमीटर की दौड़ सबसे तेजी से दौड़ा है। ठीक है, चलिए। हाल ही में डालमिया सीमेंट के विस्तारीकरण की नींव झारखंड में कहाँ रखी गई है? तो डालमिया सीमेंट इसके विस्तारीकरण की नींव झारखंड में कहाँ पर रखी गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बोकारो। डालमिया सीमेंट एक सीमेंट कंपनी है और झारखंड के बोकारो जिले में इसके विस्तारीकरण की नींव रखी गई है। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।